शहर हुलिया के मौसम की, मुल्तान का मतला अबर आलूद, ठंडी हवाओं से मौसम खुशगवार। कम से कम दर्जा हरारत 20 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 33 डिग्री तक जाएगा। एयर क्वालिटी इंडेक्स 134 पॉइंट्स पर रिकॉर्ड किया गया है। पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में मुल्तान दूसरे नंबर पर मौजूद है। मजीद शहर हुलिया के मौसम का अहवाल जानते हैं, हसन मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। जी हसन, अपडेट कीजिए। शहर हुलिया, मुल्तान और गिर्द नवा के अगर आज के मौसम की बात करें तो आज मुल्तान शहर में हल्की हवा के साथ सुबह का आगाज हुआ है। हल्का मौसम जो है वो जुजवी तौर पर अबर आलूद भी दिखाई दे रहा है। सुबह सवेरे आसमान पर सूरज और बादलों की आंख मचोली का सिलसिला भी जारी हो सारी था, लेकिन अभी की बात करें तो इस वक्त भी मुल्तान शहर में हल्की हवा चल रही है। मौसम कदरे गुज़िश्ता दिनों की निस्बत कंपेरेटिवली कदरे बेहतर और खुशगवार दिखाई दे रहा है। आज की अगर बात की जाए तो महकमे मौसमियात की जानिब से ये कहा जा रहा है कि आज पूरा दिन मुल्तान शहर का मौसम जो है वो बिल्कुल साफ रहेगा, मतलब टोटली तौर पर साफ रहने के इम्कान हैं। और ये कहा जा रहा है कि तकरीबन 12 से 1 बजे तक मुल्तान शहर में पीक आवर्स में गर्मी की शिद्दत में भी नुमाया इजाफा देखने को आएगा। आज अगर शहर के कम से कम दर्जा हरारत की बात की जाए तो आज मुल्तान शहर का कम से कम दर्जा हरारत 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिकॉर्ड किया गया है। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत आज शहर और गिर्द नवा का 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने के इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं। हवा में नमी का तनासब आज गुज़िश्ता रोज की निस्बत कदरे बेहतर है, जो कि 62% तक रिकॉर्ड किया गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स को देखा जाए तो आज शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स भी गुज़िश्ता रोज की निस्बत कदरे बेहतर है, जो कि 134 पॉइंट रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तान के फिजाई आलूदा तरीन शहरों की लिस्ट में मुल्तान की स्टैंडिंग को देखें तो मुल्तान आज दूसरे नंबर पर स्टैंड कर रहा है। महकमे मौसमियात की जानिब से मजीद ये भी कहा जा रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में मुल्तान शहर में गर्मी की शिद्दत में नुमाया इजाफा देखने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। आज पूरा दिन इसी तरह से हल्की फुल्की हवा चलती रहेगी, सूरज अपनी आबोताब के साथ भी चमकेगा, लेकिन महकमे मौसमियात की जानिब से ये कहा जा रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में दर्जा हरारत नुमाया हद तक इजाफा देखने को आएगा। हीट स्ट्रोक और हीट वेव के खदशात भी जाहिर किए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि पीक आवर्स में शहरी साथ ही तिबी माहरीन की जानिब से शहरियों के लिए ये हिदायत जारी की जा रही है कि पीक आवर्स में शहरी घरों से बाहर निकलने से गुरेज करें, और अगर निकलना जरूरी भी है तो शहरी अपने सरों को जरूर ढांप कर निकलें, क्योंकि एकदम से सडन जो हीट वेव और हीट स्ट्रोक होती है वो इंसान को काफ़ी ज़्यादा मुतासर कर सकती है। आइंदा 24 घंटों के हवाले से बात की जाए तो महकमा मौसमियात की जानिब से ये भी जाहिर की जा रही है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्तान शहर का मतला साफ रहने का इम्कान है, गर्मी की शिद्दत में नुमाया इजाफा देखने को आएगा और पूरा दिन इसी तरह से मुल्तान शहर में हवा चलने का सिलसिला जारी और सारी रहेगा। जी जी हसन, बहुत शुक्रिया, आप हमें मुल्तान के मौसम का अहवाल बता रहे थे। अब बहावलपुर से हमें ताहिर जोया ने ज्वाइन किया है। ताहिर, बताइएगा बहावलपुर का मौसम कैसा है आज? मौसम की बात करें तो मौसम जो है वो काफ़ी खुशगवार है बहावलपुर का, क्योंकि अप्रैल जो है उसका आज तकरीबन 2-3 बाकी हैं अप्रैल में, और अगर देखा जाए ओवरऑल तो बहावलपुर का मौसम अप्रैल में भी काफ़ी खुशगवार रहा है, क्योंकि पिछले साल अप्रैल में बहावलपुर का मैक्सिमम टेम्परेचर 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला गया था, लेकिन इस साल बहावलपुर में अप्रैल का महीना भी शहरियों के लिए खासा अच्छा गुजरा है। लेकिन बहावलपुर से मुल्हिका चुलिस्तान में खासी गर्मी जो है वो अभी पड़ रही है, लेकिन बहावलपुर शहर और गिर्दोनवा की बात करते चलें तो मामूल से कम दर्जा रहता है, जिससे एक तो मौसमियाती तब्दीली के जो असरात हैं वो भी जाहिर हैं, दूसरा जो शहरी हैं वो भी इस मौसम को काफी इंजॉय करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि बहावलपुर में अप्रैल के महीने से ही जो गर्मी है वो शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार अप्रैल के महीने में भी मौसम जो है वो काफी बेहतर रहा है। 2-3 जो है वो बहावलपुर में बारिशें भी हो चुकी हैं और आने वाले दिनों में भी यही कहा जा रहा है कि अगले हफ्ते से भी एक मजीद सिस्टम जो है वो बहावलपुर और जनूबी पंजाब का रुख करेगा, जिससे मौसम जो है वो मजीद बेहतर होगा। लेकिन फिलहाल बहावलपुर का मौसम जो है उसमें दर्जात की कमी की वजह से जो शहरी हैं उसको काफी जो है एंजॉय करते नजर आ रहे हैं। आज के दर्जा रात की बात करते चले तो महकमे मौसमियात के मुताबिक बहावलपुर में आज मैक्सिमम टेम्परेचर 34 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है, मिनिमम टेम्परेचर जो है वो 19 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, और साथ साथ अगर हम इस वक्त के मौसम की बात करते चलें तो 3 से 4 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ठंडी हवाएं चल रही हैं बहावलपुर में सुबह के औकात में, और शहर के मजाफात की बात करते चलें तो मजाफात में भी तकरीबन 8 से 9 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवा चलती नजर आ रही है, जिससे मौसम जो है वो काफी बेहतर हो गया है। लेकिन दोपहर के औकात में खासतौर पर बात करें 1 बजे से 4 बजे के दौरान
होगी तो गर्मी जो है वो काफी नुमाया नजर आएगी, क्योंकि दर्जा जो है वो आज 34 डिग्री सेंटीग्रेड जाने का इम्कान है। लेकिन ओवरऑल दोपहर के औकात में भी भावलपुर में मतलब जो है वो जुज़वी तौर पर आलूद रहेगा, हल्के बादल छाए रहेंगे और आने वाले 2 से 3 दिन के दौरान भी भावलपुर का मौसम जो है वो इसी तरह से खुशगवार रहने जा रहा है। लेकिन जुमा से कहा जा रहा है महकमा मौसम की तरफ से कि गर्मी की लहर जो है वो वापस आएगी और दर्जा जो है एक दफा फिर 40 की हद जो है 40 डिग्री सेंटीग्रेड हद जो है वो क्रॉस करेगा। भावलपुर में इस वक्त जो मौसम है वो थोड़ा तब्दील होता नजर आ रहा है, क्योंकि पिछले हफ्ते हमने देखा कि बारिश हुई और मौसम जो है वो काफी हद तक बेहतर हुआ। बारिश के बाद दर्जा जो है खासतौर पर रात का वो काफी कम हुआ। आज भी रात का जो दर्जा रहता है वो 19 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया और रात गए हल्की खुनकी की वजह से सुबह के औकात में जो ठंड का सिलसिला है वो भी बरकरार है। क्योंकि एक पिछले हफ्ते की बात करते चले तो रात के औकात में शहरियों ने पंखे जो थे वो दोबारा चला लिए थे, सर्दी की शिदत बिल्कुल खत्म हो गई थी। लेकिन अब चूंकि दर्जा रात कम होता नजर आ रहा है और एक दफा फिर शहरियों ने पंखे बंद कर दिए, लेकिन ये जो सिलसिला है इसी तरह से अगले 2 से 3 रोज तक जारी रहेगा। लेकिन अगले 2 से 3 रोज के बाद भावलपुर में गर्मी का जो सिलसिला है वो वापस लौटेगा और बाकायदा तौर पर दर्जा जो है वो बढ़ना शुरू हो गया। साथ साथ एयरपोर्ट इंडेक्स की बात करते चलें तो वो भी काफी बेहतर चल रहा है, सिर्फ 40 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। लेकिन जो तिब्बी माहिरों का यही कहना है कि भावलपुर में गंदम की कटाई का सीजन भी चल रहा है, जिसकी वजह से जो एलर्जी का रिएक्शन है वो काफी हद तक बढ़ गया है। तो शहरी जो है वो मास्क का लाजमी इस्तेमाल करें, खासतौर बुजुर्ग और बच्चे और जिनको सांस की बीमारियां हैं वो मास्क लाजमी इस्तेमाल करें ताकि एलर्जी का रिएक्शन ना हो सके और इस मौसम में बदलते मौसम में अपनी सेहत का खास ख्याल रखें। साथ साथ हवा में नमी के तनासब की बात करते चलें तो 70% रिकॉर्ड किया गया है, बढ़ता दिखाई दे रहा है। लेकिन अगले 2 से 3 रोज के दौरान खुश्क मौसम होगा तो ये भी कम होता नजर आएगा। तो आइंदा 24 घंटों के दौरान भावलपुर का मौसम जो है वो इसी तरह से खुश्क रहेगा, 2 से 3 रोज तक जो खुशगवार मौसम है जारी रहेगा, लेकिन 2 से 3 रोज के बाद गर्मी की जो लहर है वो भावलपुर में वापस आएगी। जी जी ठीक है, गर्मी की लहर 2 से 3 दिन में वापस आएगी। भावलपुर से तहे जो यहाँ हमें अपडेट करें, बहुत शुक्रिया आपका।